हेलो बच्चों वेलकम टू दी चैनल विदांतु नीट मेड इजी मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका मैम और इस सीरीज में हम प्रैक्टिस करते हैं ऑल द पीवाईक्यूज रिलेटेड टू नीट एग्जाम <laughs> बच्चों बायोलॉजी सेक्शन में से लास्ट दो हफ्तों में हम कम से कम आठ चैप्टर अभी तक प्रैक्टिस कर चुके हैं और आज जो चैप्टर हम प्रैक्टिस करेंगे दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बहुत बहुत इजी स्कोरिंग चैप्टर क्लास का तो विदाउट एनी फर्दर डिले बच्चों शुरू करेंगे नोटबुक पेन साथ रख लीजिए नोट करते जाइए टोटल तो तो में से कितने क्वेश्चन सही या गलत होने वाले हैं ओके ऑलरेडी ऑल सेट तो आओ बच्चो शुरू करें हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगी 20 सेकेंड का टाइम तो मैं आपका टाइमर यहाँ पर सेट कर देती हूँ बच्चों ट्वेंटी सेकेंड्स आप रीड कर सकते हैं क्वेश्चन इतने और राइट नीट दो का क्वेश्चन है जल्दी से रीड कीजिए ट्वेंटी सेकंड्स का टाइमर आपका सेट कर रही हूँ सो दैट आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना राइट आंसर रिफ्लेक्ट करके लिख पाए ऑलराइट सो बच्चों पहले रीड कर लो क्वेश्चन

बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत बारी रेपिटेडली पूछा गया है ए आई में भी नीट में भी बहुत ज्यादा रेपिटेटिव फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है तो 20 बच्चों जल्दी से अपना आंसर लिख डालिए हरिया सब लोग अपना आंसर लिखिए जल्दी से और राइट right, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको 20 सेकेंड दिया आगे जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं आपको 15 सेकेंड का ही टाइम दूंगी जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे सो फाइव फोर थ्री डिजीज है, जो की कॉज होता है लिम्फेटिक सिस्टम रिलेटेड डिजीज है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ए मैच विथ थ्री अमीबिया मैच करता है एंटमीबास्टोलिटिका कॉज करता है अमीबिया Pneumonia is caused by और लास्ट बचता है बच्चों तो आपका जो यहां पर बनेगा आपने आंसर सही लिखा है जिन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है वो लोग इसको मार्क कर ले ढंग से रिवाइज करना है क्योंकि डिजीज रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन और ये देखिए आप एनसीआर टी में भी देख, देख सकते हैं देखो एनसीआर बुक में से of course, ये क्वेश्चन वहीं से है, अमीबियासिस या अमीबिक डायसेंट्री की बात हो रही है बच्चों, भी दिया है हमारे पास, अमीबियासिस. के बारे में पूछा गया था निमोनिया इज कॉज ईदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या तो आपके पास इस ऑर्गेनिज्म का नाम गिवन होगा या फिर इसका अदर कॉजल ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्वेश्चन में था मैच द फॉलोइंग में हीमोफिलस इन्फ्लुएंस तो दो ओके सिमिलरली अगर मैं Elephantiasis की बात करूं, जिसको हम कॉमनली डिजीज भी कहते हैं बच्चों इट इज़ और बहुत सारी स्पीशीज आपके पास गिवन है okay? Vuchiriria malai, Vuchiriria और रिंग की बात करें बच्चे तो रिंग वनजय कॉज करते हैं तीन जीनस माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन थी एंड एपिडर्मोफाइटोनिज है तो बच्चों you know, से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑर्गेनिज्म और डिजीज से रिलेटेड ओके क्लियर हुआ सबको प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें अपनी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज एंड अर्ली डायग्नोसिस अगर आप इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना चाहते हैं किसी भी डिजीज का अर्ली डायग्नोसिस करना चाहते हैं उसकी पैथोफिजियोलॉजी समझना चाहते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेक्निक है एक जो आपको यूजफुल रहेगी अर्ली डिटेक्शन में अर्ली डिटेक्शन करना चाहते हैं तो आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे बच्चों वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक एलाइजा टेक्निकेशन टेक्निक क्योंकि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों मैं आपका टाइमर रिड्यूस कर देती हूँ इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपको बताना है अगर आप इफेक्टिव ट्रीटमेंट देना चाहते हैं अर्ली डायग्नोसिस करना चाहते हैं समझना चाहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी उस डिजीज की तो बच्चों आप कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग सदर्न ब्लॉटिंग एलिजा या फिर हिबाइजेशन तो पंद्रह सेकेंड बच्चों जल्दी से अपना आंसर लिख दो हरिया एवरीबडी ये क्वेश्चन ना सिर्फ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बल्कि आपके दूसरे चैप्टर से भी पूछा जा सकता है जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी क्योंकि उसी से रिलेटेड टेक्निक है है सो टाइम टाइम अप अप आपको पता है, आप पढ़ के आए हैं बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में भी कि अलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक है और ये किसके ऊपर बेस्ड है आओ बच्चों पहले तो ये स्निप देख लेते हैं एनसीआरटी बुक का एनसीआर बुक में इसी चैप्टर की बात कर रही हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की एक बहुत वाइडली यूज टेस्ट के बारे में बताया गया है अगर आप एड्स या कैंसर जैसे डिजीजेस को डायग्नोस करना चाहते हैं अर्ली डायग्नोसिस करना चाहते हैं तो बच्चों ये टेक्निक बहुत यूजफुल है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलाइजा से रिलेटेड एलाइजा ओके और बच्चों ये एक एंटीजन एंटीबॉडी इंटरक्शन पे बेस्ड टेस्ट है मतलब अगर किसी भी पेशेंट में किसी भी यू नो एक्सपेक्टेड पेशेंट ऑफ एड्स डिजीज़ में आप एक सैंपल लेते हैं डिजीज के यू you नो know, एक डिजीज पर्सन के सैंपल को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि माइक्रोब रिलेटेड मतलब जिससे डिजीज कॉज होता है course, HIV, उससे रिलेटेड एंटीजन और उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस हुए हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज आपको नजर आएंगे तो ये बेसिकली एक ऐसा टेस्ट है जो एंटीजन एंटीबॉडी पर एंटीबॉडीड है इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इजिली और राइट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया सिर्फ डिजीज नेम चेंज हो गया है यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेमवर्क चेंज हो गया क्वेश्चन का बट लगभग लगभग नीट 2021 में जैसे पूछा गया था वैसे ही 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ध्यान से पढ़िए लिस्ट वन और लिस्ट टू मैच करना था या कॉलम वन कॉलम टू मैच करेंगे अफकोर्स लेफ्ट साइड पे आपके पास डिजीजेस के नेम्स हैं चेंज कर दिए गए थे टाइफॉइड मलेरिया निमोनिया फिलियारिस थोड़ा चेंज है और इधर आपके पास कॉजल ऑर्गेनिज्म में गिवन है हिमोफिलस इन्फ्लुएंस वुचिरिया प्लाज्मोडियम और साल्मोनेला यस बच्चों जल्दी से मैच करिए अब आपके लिए आसान हो गया है आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म बताना है इन सब डिजीजेस का तो पंद्रह सेकेंड बच्चों हरी आप जल्दी से अपना राइट आंसर लिख दीजिए बहुत इजी बहुत बार रिपीटेटिव क्वेश्चन फाइव फोर थ्री टू एंड वन बच्चो टाइम अप लेट सी वॉट आंसर ऑब्वियसली टाइफ इज कॉज बाई सिया की बात करें बच्चो इट इज वेरी फैटल डिजीज कॉज बाई प्लाजमोडियम वाइवैक्स न्यूमोनिया इज कॉज बाय हिमोफिलस इन्फ्लुजे सेम पैथोजनो दो हजार इक्कीस में भी पूछा गया था फिलियरिस भी एक ऐसा डिजीज है जो पहले भी पूछा गया था तो बच्चो राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन ए फोर थ्री वन एंड टू फोर थ्री वन एंड टू तो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डिजीजेस के कॉजल ऑर्गेनिजम्स उनसे रिलेटेड टेस्ट आपको आने चाहिए कि कैसे उनको डायग्नोस किया जाता है ओके okay? अभी डायग्नोसिस से भी रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था और आगे भी क्वेश्चन आएंगे ऑल राइट right? तो स्निप देख लेते हैं एन बुक से बच्चों स्निप देख लेते हैं कहाँ पर मेंशन है ये एनसीआर बुक में मैं पहले आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ रिलेटेड टू एंड ओके और से रिलेटेड हम देख चुके हैं कि इसका organism, दो स्पीशीज भी गिवन है। आपके पास आपको याद रखनी है निमोनिया के दो कॉजल निमोनिया एंड हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा प्लीज इसको स्टार मार्क कर लीजिए ये दो डिजीजेस दो बारी कॉन्सिकली पूछे गए हैं इसके बाद बच्चों साल्मोनेला टाइफी जो कि कॉज करता है टाइफॉइड ऑलराइट राइट और, और लास्टली बच्चों मलेरिया की बात करें तो जीनस नेम इज प्लाज्मोडियम और हमें बहुत सारी स्पीशीज तीन स्पीशीज ऑलमोस्ट आपके एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी गिवन है वाइवैक्स मलेरिया एंड फैलसीपैरम जो कि डिजीज कॉज करती है मलेरिया ओके क्लियर सबको क्लियर हो गया ये प्लीज मार्केट स्टार इन योर बुक ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 से दो हजार अब देखो मैंने आपको कहा था डिजीजेस और इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत सारे पूछे जाते हैं तो ये एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास इम्यूनिटी से रिलेटेड नीट 2020 से पूछा गया है फ्लूड कोलेस्ट्रम तो एक येलो कलर का फ्लूड सिक्रीट होता है मैं ग्लैंड से लैक्टेशन पीरियड में जिसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं लेकिन कौन से एंटीबॉडी की बात हो रही है एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी की बात हो रही है इम्यूनोग्लोबुलिन ए टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट प्रोटेक्ट मतलब डिफेंस प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन करता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है वॉट इज दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी कॉल्ड इस तरह की इम्यूनिटी जो कि मदर मिल्क से इन्फेंट में यू नो एंटीबॉडीज के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है इन फॉर्म ऑफ दिस फ्लूड कोलेस्ट्रोल इसको क्या बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑटो इम्यूनिटी जल्दी से बच्चों सोच लो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो और तभी मैं आपका टाइमर शुरू करूंगी सोचो येलोइ फ्लूड है एंटीबॉडी कंटेनिंग फ्लूड है मदर से मिल्क के थ्रू बेबी में इन्फेंट में ट्रांसफर हो रहा है लेकिन बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी कंटेनिंग यू you नो know, फ्लूड है तो ये किस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको कैटेगरी चूज करनी है पंद्रह सेकेंड बच्चों हरिया राइट आंसर अपना लिख डालो पैसिव एक्टिव एक्वायर्ड या ऑटो इम्यूनिटी यस बच्चों फाइव फोर थ्री टू वन टाइम अप टाइम अप तो आप जानते हैं बच्चों इस तरह की इम्यूनिटी को हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी आओ देखो एनसीआरटी बुक में कहा है इसके बारे में इसको अंडरलाइन कर लो दो तीन बार से क्वेश्चन पूछा गया अभी फिर से आएगा ये क्वेश्चन कुछ और फ्रेमवर्क के साथ ऑलराइट राइट तो जब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज रेडीमेड एंटीबॉडीज ओके okay, मैं यहां कलर चेंज कर लेती हूँ हाई लेटर का वेट अ सेकेंड जब रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है डायरेक्टली दिए जाते हैं और राइट तो इसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी जब रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट फॉरेन प्रोटीन फॉरेन एंटीजन फॉरेन एजेंट्स और बच्चों क्लियर एग्जाम्पल गिवन है येलोइ फ्लूड कोलेस्ट्रम देखो एज इट इज लाइन पूछी गई है एनसीआर से डरिंग इनिशियल डेज ऑफ फ्लैक्टेशन अबेंट एंटीबॉडीज कौन से एंटीबॉडीज आई जी ए इम्यूनोग्लोबलिन ए प्रोटेक्ट करता है इनफेंट को और ये एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट ट्रांसमिशन का जो कि बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे इन्फेंट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी ओके क्लियर नॉट ओनली दिस एक्सीटस जो है मदर की बॉडी में प्लासेंटा के थ्रू भी एंटीबॉडीज रिसीव करता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मदर और फीटस के बीच में जो कनेक्शन होता है थ्रू प्लासेंटा दैट ऑल्सो प्रोवाइड इम्यूनिटी टू दी इन्फेंट ग्रोइंग इन्फेंट इन दी बॉडी ओके क्लियर सबको तो यू कैन मार्क स्टार है दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ क्लियर सबको नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वेरी इजी क्वेश्चन वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लोगे आप मुझे पता है सबने लाइफ साइकिल पढ़ी हुई है द इनफेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स टू द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड वॉट और ये नीट दो का क्वेश्चन है क्या इसको हम स्पोरोजोइट्स बोलेंगे फीमेल गेमिटोसाइट बोलेंगे मेल गेमिटोसाइड्स बोलेंगे या ट्रोफोजॉयड्स बोलेंगे यस yes, बच्चों हरी हरिया जल्दी से अपना आंसर कीजिए स्पोरोजॉइड फीमेल गेमिटोसाइड बेसिकली इन्फेक्शियस स्टेज जिसमें प्लाज्मोडियम एंटर करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको क्या कहते हैं तो आपके पास जल्दी से बताइए। और yes, बहुत ही ज्यादा रेपिटेटिवलीस्ट क्वेश्चन है टू एंड वन टाइम course, राइट right आंसर है स्पोरोजॉइट आपको पता है एक इंफेक्शियस स्टेज है तभी प्लाज्मोडियम को हम एक स्पेशल ग्रुप ऑफ प्रोटेस्ट में पढ़ते हैं और उनको बोलते हैं हम स्पोरोजोन्स ओके तो एक स्पोरिक फॉर्म है जिसके थ्रू प्लाज्मोडियम का ट्रांसफर होता है आप हाईलाइट कर सकते हैं अपनी बुक में वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल बट क्लियरली लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज तो स्पोरोजाइट एक यहां पर क्या हुई इंफेक्शियस फॉर्म हुई

टाइम दे रही हूँ आराम से चारों स्टेटमेंट्स पढ़ो वेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी वेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग और डेड एंटीजन किसी से भी एक्सपोजर होगा तो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन दी होस्ट बॉडी और इसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे विद रेफरेंस टू एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी जल्दी से पढ़िए चारों ऑप्शन टेन सेकेंड मोर और उसके बाद काउंट डाउन शुरू करते हैं बच्चों पंद्रह सेकेंड में कन्वीनियंटली आप लिख दें कॉमेंट सेक्शन में व्हाट इज द राइट आंसर और राइट right आंसर में आपको यहां पे मार्क करके बतानी है आइडेंटिफाई करनी है रॉन्ग स्टेटमेंट और राइट रेडी पंद्रह सेकेंड बचो हरि आप जल्दी से लिख डालो अपना राइट आंसर ए बी सी और डी यस पैसिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कंडीशन पता होनी चाहिए टाइम टाइम यू नो बच्चों एक्टिव इम्यूनिटी कभी भी क्विक नहीं होती है कभी भी क्विक नहीं होती है बहुत स्लोली एक्ट करती है और फुल रिस्पॉन्स कभी भी नहीं मिल पाता है आओ देखो कहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में इट्स मार्केट इन दी बुक इट सेल्फ एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो बहुत टाइम लेती है टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स बहुत स्लोली अपना फुल इफेक्ट दिखाने में यू you नो know, पहली बार तो फुल इफेक्ट नहीं आ पाता है यू नो टोटल हंड्रेड परसेंट इम्यूनाइजेशन नहीं होती है कुछ रिस्पांस बॉडी में फिर भी आएगा बट स्टिल अगर हमें यू नो बेस्ट रिस्पांस एक्सपेक्ट करना है तो बहुत टाइम लगता है स्लो इम्यूनिटी है ऑल राइट क्लियर सबको समझ आ गया है ये ऑल राइट क्लियर टी यू नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर करेक्ट पेयर रिप्रेजेंट यहाँ पर कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज कॉज कर रहा है बॉडी में और उससे रिलेटेड उसको डायग्नोस करने के लिए हम बॉडी में कौन सा टेस्ट करेंगे तो आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड तो टाइफॉइड के बारे में पूछा गया बच्चों टाइफॉइड फीवर को आप सबसे पहले कौन से माइक्रोब से होता है और उसको आप कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करते हैं नीट 2019 का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से स्पेशली जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसका उसमें से बहुत बारी क्वेश्चन आता है तो बच्चों पहली बात आपको अपने दिमाग में रखनी है कि हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसी में से या उसी से रिलेटेड पूछा जाता है जो हमने पढ़ा है जो हमारी बुक में गिवन है जो हमारे सिलेबस में है तो उसी वे में आपको अप्रोच लगानी है और सोचना है दैट व्हाट विल बी द राइट आंसर टाइफॉइड फीवर की बात हो रही है तो आप सबसे पहले तो उसका कॉजेटिव एजेंट ढूंढिए और उसके साथ फिर मैच करता हुआ आपने कौन सा अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट बुक में पढ़ा है बुक के रेफरेंस में आपको आंसर करना है ओके वेरी इजी पंद्रह सेकंड देती हूँ जल्दी से बता दो व्हाट इज द राइट आंसर नीट 2019 का क्वेश्चन है और जैसा मैंने कहा वाइडल टेस्ट से रिलेटेड बहुत बारी क्वेश्चन आया है फाइव फोर थ्री टू वन

राइट टाइफॉइड फीवर का और इसके लिए जो हम यू नो टेस्ट करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं तो बच्चों कुछ भी NCRT के बाहर से नहीं पूछा जा रहा है ओके okay? आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए जा सकते हैं ऑलराइट ऑप्शंस ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं बट आंसर वही होगा जिसकी नॉलेज आप रखते हैं ऑलराइट राइट क्लियर और जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा नेचुरल पैथजेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेचुरल पैथोजेंस से फाइट करने के लिए ह्यूमन्स ने एक्वायर किया है एक इम्यून सिस्टम स्टिल हमारे पास एक इन्नेट इम्यूनिटी मतलब एक नेचुरल इम्यून सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है नेचुरली तो नीड 2019 में पूछा गया था कि ये जो इनेट सिस्टम है ये क्यों प्रेजेंट होता है बिकॉज़ ये बहुत स्पेसिफिक है और डिफरेंट तरह के मैक्रोफेजेस को यूज करेगा बहुत सारे मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी रिस्पांस लाने के लिए नेचुरल किलर सेल्स प्रोड्यूस करता है व्हिच Phagocytis, मतलब फैगोसाइटाइज का मतलब है जो कि फीड करते हैं उन उन पे उन पे डिजीज कॉजिंग और डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स को या फिर ये एक पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते थिंक अबाउट इट बुक में से ही है एनसीआरटी बुक से ही पूछा गया ध्यान से सोचो क्वेश्चन समझो पहले ह्यूमन ने एक्वायर किया इम्यून सिस्टम ऑल राइट जिसमें हम एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं लेकिन बच्चों एक इनेट सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट है क्यों प्रेजेंट है क्या करता है वो इन सिस्टम क्या वो बहुत स्पेसिफिक है माइक्रोफाइज प्रोड्यूस यूज करता है Memory cells को produce करता है हैं हैं जो कि करते या पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है तो पंद्रह सेकेंड जल्दी से बताओ अपना आंसर हरिया लास्ट टेन सेकेंड क्विकली फाइव फोर थ्री टू एंड वन टाइम अप टाइम अप टाइम कोर्स बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नियट इम्यून सिस्टम की तो इसमें नेचुरल किलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो आज हमारी बॉडी में माइक्रोब अटैक करता है उन माइक्रोब्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है थ्रू अ सिस्टम ऑफ फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस मतलब कि ये सेल्स जो है नेचुरल किलर सेल्स जो है खा जाते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रोब्स को तो अगर मैं आपको बुक में दिखाऊं बच्चों अंडर आर इन्ट सिस्टम इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम जो कि यू नो बहुत बारी बात की गई है बहुत बारी बात की गई है सेलुलर बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है सेलुलर बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं और आपको पता है एक स्पेशल तरह के हमारी बॉडी में ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट हैं डब्ल्यू प्रेजेंट हैं जिनको हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल ये एक तरह के लिम्फोसाइट्स हैं ये ब्लड में प्रोड्यूस होते हैं ठीक है टिश्यूज इन ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज एंड फैगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली माइक्रोब्स की डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं डायरेक्टली बाय ईटिंग ओके क्लियर हुआ सबको इनेट इम्यूनिटी सिस्टम

तो पंद्रह सेकेंड बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है जल्दी से बताइए जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है बहुत बहुत जरूरी है बहुत है स्कोरिंग चैप्टर इजीली आप इसमें से दो तीन जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजीली आंसर कर सकते हैं थ्री टू वन टाइम कोर्स बच्चों यहां बात करते हैं हम सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह के ह्यूमन ऑर्गन की अगर यू नो ट्रांसप्लांटेशन की जाती है लाइक हार्ट आई लिवर किडनी और वो अगर सैटिस्फैक्ट्रिली फंक्शन नहीं कर पाती हैं तो मतलब बॉडी में कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो गया है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और इसको सप्रेस करने के लिए दो कंडीशन हैं कि आपको बहुत सारे पहले प्री ट्रांसप्लांटेशन टेस्ट करने पड़ेंगे सो कर सके की की में कोई बहुत दिनों तक पेशेंट को देने पड़ेंगे ताकि जो बाहर से यू you नो know, हमने ट्रांसप्लांटेशन कराई है ऑर्गन की वो एक्सेप्ट कर लिया जाए बॉडी में ओके okay? उसकी वजह से कोई ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ना हो जाए ओके क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन कोका एल्कोलॉइड एक एल्कोलॉइड है कोका एल्कोलाइड जिसको हम पॉपुलरली कोकेन ड्रग के नाम से जाना जाता है ये हम कहाँ से ऑप्टेन करते हैं प्लांट सोर्स बताना है आपको पैपेवर सोमनीफेरम एट्रोपा बैलाडोना एरिथ्रोजैलम कोका तो बहुत दियस क्वेश्चन है बहुत इजी बहुत स्कोरिंग नीट 2019 का क्वेश्चन है जिसने नहीं भी पढ़ा होगा वो भी इजीली आंसर कर पाएगा बच्चों 15 सेकंड्स जल्दी से लिख दो अपना आंसर ये फुल एंड फुल मार्क्स वाला क्वेश्चन है कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक गलत करके आए यस yes. बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन फाइव फोर थ्री टू वन कोर्स बच्चों राइट आंसर नाम से ही पता चल गया स्पीशीज इज कोका कोकेन ऑप्टेन करते हैं आओ स्निप्ट में देखें एनसीआर टी में तो ये आपके सामने है कोका कोकेन की बात हो रही है और राएट? कोकेन की बात हो रही है कोका एल्कोलॉइड और कोकेन जो कि ऑप्टेन किया जाता है कोका से कहा का नेटिव प्लांट है ये साउथ अमेरिका का right? और इससे एक ड्रग बनती है कॉमनली जिसको कोकेन कोक या क्रैक भी बोलते हैं और स्नॉट करके यू you नो know, इसकी एप्लीकेशन की जाती है बट बच्चों एक बहुत ही डेंजरस ड्रग है क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है एंड इट प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी के okay? तो जितने भी ड्रग्स आपकी बुक में मेंशन है बच्चों उनके सोर्स आपको पता होने चाहिए कि फ्रॉम विच प्लांट आदे ऑप्टेन ठीक है उनकी केमिकल नेचर क्या है कौन से प्लांट्स से ऑप्टेन किए जाते हैं यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑलराइट नेक्स्ट इन विच डिजीज डज मस्कीटो ट्रांसमिट इन विच डिजीज डज मस्कीटो ट्रांसमिट पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लोमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू गिवन है कि ऐसा कौन सा डिजीज है

बहुत इजी क्वेश्चन बहुत सिंपल मुझे पता है सब बच्चों को आता है यस yes. और जिनको नहीं पता जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है एंड स्टॉप राइटिंग बच्चों कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख दिया होगा आपने जिन बच्चों को नहीं पता है बच्चों इस सीरीज में हम पी प्रैक्टिस कर रहे हैं आज हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस ट्यूसडे से फ्राइडे साढ़े पांच से सात हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की तो सब लोग ट्यूजडे से फ्राइडे अपनी अटेंडेंस यहाँ पर जरूर मार्क करें ओके मेक श्योर यू आर रेगुलर रिंग वॉर्म एलिफेंटियासिस या एम में से ऑफ ऑफकोर्स बच्चों बात हो रही है यहाँ पर एलिफेंटियासिस की लिम्फेटिक ऑर्गन पे डायरेक्ट अटैक होता है आओ देखें एनसीईआरटी स्निप अंडरलाइन कर लो इसको तो देखो क्वेश्चन डिजीजेस से बार बार पूछा गया बार बार सेम जगह से क्वेश्चन आ रहा है इधर

Clear है सबको इज क्लियर और वेक्टर कौन है बच्चों वो भी देख सकते हो वेक्टर्स के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट एम ए एल टी हाउ मच परसेंट ऑफ दी लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी माल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंफॉइड टिश्यू है बॉडी का तो पूछ रहे हैं क्योंकि एनसीआरटी बुक की लाइन है ना तो पूछ रहे हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ़ एक छोटी सी लाइन है एनसीआरटी की बट आपको पता होनी चाहिए यहां पर एक फैक्ट बन गया okay? माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट हाउ मच परसेंट ऑफ लिम्फर्ड टिश्यू पंद्रह सेकेंड हरिया जल्दी से बच्चों क्विकली अपना आंसर दें नाइन एट सेवन सिक्स फाइव हरिया क्विकली थ्री टू वन टाइम अप राइट आंसर इज फिफ्टी परसेंट ये बच्चो माल्ट कॉन्स्टिट्यूट म्यूकस म्यूकोसा एसोसिएटेड लिंफॉयड टिश्यू सी लिंफॉयड टिश्यूज की बात जहां पर हो रही है वहां से क्वेश्चन आया छोटी सी लाइन है टिश्यू लोकेटेड ऑन दी लाइनिंग ऑफ मेजर ऑर्गन बहुत सारी बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक यूरिनोजेटल ट्रैक, ओके इन एरियाज़ में एक टिश्यू म्यूकस रिलेटेड टिश्यू प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फर्ड टिश्यू बच्चों ये अकेला टिश्यू पचास परसेंट ऑफ लिम्फर्ड ऑर्गन को लिम्फर्ड टिश्यू को बॉडी में कॉन्स्टिट्यूट करता है तो आपको ये बहुत सिंपल सी लाइन बहुत सिंपल सी लाइन बहुत छोटा सा पैराग्राफ बट आपका एक फोर मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बन गया और अगर आपको नहीं आता तो आपका पांच नंबर का नुकसान यहां पर हो जाएगा तो बहुत केयरफुली अपनी एनसीईआरटी बुक को सब लोग पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन स्मॉल स्मॉल लाइन ऑफ दी चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट ट्रांसप्लांटेशन अब देखो मैंने कहा था ये क्वेश्चन बार बार आएगा अलग तरीके से पूछा गया देखो पढ़ो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन्स फेज ऑफर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय देश बॉडी कभी कभी पेशेंट की बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है बाहर से आए हुए ऑर्गन को ठीक है ट्रांसप्लांटेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है तो ये बॉडी का किस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि ये रिजेक्शन कॉज करता है नीट 2017 का क्वेश्चन है इज इट ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हॉर्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स अब बहुत सारे बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे टवीन टू ऑप्शन बट फिर भी ध्यान से सोचो हम पहले ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं यस yes, बच्चो से पंद्रह सेकेंड आपका टाइमर शुरू हो गया जल्दी बताइए इज़ द राइट आंसर फॉर हरिअप हरिप बच्चो थ्री टू वन टाइम हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया बच्चों अलग तरीके से पूछा गया था 2000, 19 या 2018 में हमने अभी किया था प्रैक्टिस तो चांसेस होते हैं रिजेक्शन के और वो जो रिजेक्शन कॉज होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसकी वजह से ट्रांसप्लांटेशन की ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन की रिजेक्शन हो जाती है अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड ठीक है तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स एक अलग कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में बताऊंगी बट याद रखना ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड बात होगी तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सीएमआई सीएमआई की बात होगी ओके क्लियर नेक्स्ट इन हायर वर्टिब्रेट्स एग्जैक्ट लाइन एनसीआरटी की इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ सेल्स अब देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो था जिसमें तुम कंफ्यूज हो सकते थे वैसे ही एक और क्वेश्चन आ गया अब समझाऊंगी इफ दिस प्रॉपर्टी लॉस्ट ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी एंड इट अटैक्स सेल्फ सेल्स देन इट लीड्स टू व्हाट ग्राफ्ट रिजेक्शन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव इम्यूनिटी एलर्जिक रिस्पॉन्स नीट दो हजार सोलह का क्वेश्चन है कह रहे हैं हायर वर्टिब्रेट्स में इम्यून सिस्टम होता है जो कि रिकॉग्निशन में हेल्प करता है डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करता है सेल्फ सेल्स और नॉन सेल्फ सेल्स की अगर ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है बाय चांस आपका एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स जो है फेल हो जाता है तो हम अपने ही बॉडी को सेल्स को फॉरेन सेल्स की तरह लेना शुरू कर देते हैं फॉरेन मींस बाहर से आए हुए सेल्स की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं और उसी के अगेंस्ट बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है तो बच्चों इस तरह की कंडीशन को इस तरह के इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कहेंगे ग्राफ्ट रिजेक्शन ऑटो इम्यून एक्टिव और एलर्जिक रिस्पॉन्स फिफ्टीन हरी अब जल्दी से बता दो तो. इससे रिलेटेड बहुत सारे डिजीजेस भी होते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस सुना होगा आपने तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिल गया आपको टाइम अप तो बच्चों जैसे अभी मैंने आपको क्लू दिया था ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं इससे रिलेटेड जैसे एड्स एक बहुत बड़ा ऑटो इम्यून डिजीज है जहां पर अपनी ही बॉडी का इम्यूनिटी जो है अपने ही सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है okay? ओके तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन गेन सी एम आई और ऑटो इम्यून डिजीजेस में कंफ्यूज नहीं होनाटेड टू ग्राफ रिजेक्शन ये रिलेटेड है बॉडी के सेल्फ और नॉन सेल्फ की नॉन सेल्फ सेल्स की डिफ्रेंसिएशन से रिलेटेड तो समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अनोन रीजन बॉडी अटैक्स दिस रिजल्ट इन डैमेज ऑफ द बॉडी एंड इट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज जैसे र्यूमाटोड र्यूमाटोइड अर्थराइटिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑटो इम्यून डिजीज है ओके क्लियर सबको सबको क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑफ दी फॉलोइंग सेट्स डिजीजेस इज बाय बैक्टीरिया तो आपको बैक्टीरिया ओरिजिन वाले डिजीजेस मार्क करने हैं hmm. नीट दो हजार सोलह में पूछा गया क्वेश्चन कॉलरा एंड टेटनस टाइफॉइड एंड स्मोल पॉक्स टेटनस एंड मार्स हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा बताओ कौन से इनमें से बैक्टीरियल डिजीजेस हैं कॉलरा एंड टेटनस टाइफॉइड एंड स्माल से बता दो मिल जाएगा बट बहुत छोटी क्लासेस से आपने ये पढ़ा है थ्री टू वन टाइमअप राइट आंसर इज कॉलेरा एंड टेटनस और राइट ये जो है बैक्टीरियल ओरिजिन के डिजीजेस हैं वाल बात करें अगर स्मॉल पॉक्स की बात करें मम्स की इन्फ्लुएंजा की हर्पीज की ये सब वायरल डिजीजेस हैं ओके क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन अस्थमा में भी एट्रिब्यूटेड टू क्या रीजन हो सकता है अस्थमा का एलर्जिक रिएक्शन टू मास सेल्स इन दी लंग्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रैकिया अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन दी लंग्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ दी लंग्स नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन क्या प्रॉबेबल रीजन है अस्थमा रिलेटेड आप जानते हैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है बहुत सारे केसेस मिलते हैं आजकल अस्थमा के तो क्या रीजन है इसका फिफ्टीन सेकेंड एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्टेल्स इंफ्लामेशन ऑफ द्रैकिया अक्यूमलेन ऑफ फ्लूड इन दी लंग्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन फाइव फोर थ्री टू वन टाइम अप अपर्स बचो यू नो अस्थमा इज वन ऑफ दी एलर्जिक रिएक्शंस लंग्स का एलर्जिक रिएक्शन है जिसकी वजह से द पेशेंट सफर्स फ्रॉम यू नो दिस डिजीज एस्तम जिसमें ब्रेथलेसनेस या फिर बहुत ज़्यादा एलर्जी एलर्जिक रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ स्नीजिंग और लाइक या बहुत ज़्यादा यू नो स्लो एक्ट बहुत ज़्यादा थोड़ी सी भी यू नो विग्रस एक्टिविटी करने से जो है बहुत तेज़ तेज सांस लेना पड़ता है ऐसे लोगों को रनिंग में स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर है प्रॉब्लम है और किस वजह से होती है एलर्जिक रिएक्शन है ओके क्लियर ग्राफ्टेड किडनी रिजेक्टेड इन अ पर्टिकुलर पेशेंट ड्यू टू देखो फिर से पूछा गया क्वेश्चन सीबीएसई दो हजार पंद्रह का क्वेश्चन है बट तीसरी या चौथी बार अब हम क्वेश्चन करेंगे सेम आंसर है सेम कॉन्सेप्ट है बस फ्रेमवर्क डिफरेंट है क्वेश्चन का

टाइम बच्चों अभी बात किया था सी एम आई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ट्रांसप्लांटेड की रिजेक्शन बॉडी में हो जाती है right? इसके लिए हमें खाने पड़ते हैं एजेंट्स क्लियर सबको तो बात कर चुके ऑलरेडी क्लियर ओके विच ऑफ फॉलोइंग ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूट लार्जेस्ट परसेंटेज इन द्यूमन मिल्क ह्यूमन मिल्क में सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज कौन से प्रेजेंट होते हैं आई जी डी आई जी एम आई जी एसो डायरेक्ट क्वेश्चन और सेल मिडिएटेड ओके ऐसा कुछ हमने क्वेश्चन किया था पंद्रह सेकेंड जल्दी से बताओ कितने परसेंट मतलब ह्यूमन मिल्क में सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन सा एंटीबॉडी आपको मिलेगा आई जी डी एम ए जी थ्री टू वन टाइम अप राइट आंसर इज आई जी ए इम्यूनोग्लोबलिन एव देखिये एनसीआर बुक में कहां से क्वेश्चन पूछा गया है सेम लाइन जो मैंने आपको पहले हाईलाइट करके बताई थी बच्चों येलोइश कलर का फ्लूइड है कोलेस्ट्रम ठीक है जो कि मदर मिल्क में होता है लैक्टेशन के पीरियड में सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडीज मिलते हैं इन्फेंट को फ्रॉम मदर

Uh, होने के बाद भी बहुत टाइम तक पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आते हैं बट यहाँ पर पूछ रहे हैं उस स्टेज के बारे में जब एच वायरस के कारण एड्स पेशेंट में सिम्टम्स दिखने लगते हैं ए आई पी एम टी दो हजार बार ही पूछा गया सवाल है विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ सेक्चुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन वेन द इन्फेक्टेड रेट्रो वायरस एंटर्स दी होस्ट सेल वेन एच आई वी डैमेजेज लार्ज नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स और वेन दी वायरल डी एन एस प्रोटेक्टेड बाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिस बहुत इजी क्वेश्चन स्टेजेस आपने पढ़ी होंगी ठीक है कैसे एच स्प्रेड करता है विद इन दी बॉडी ऑल राइट पंद्रह सेकेंड जल्दी से बताओ किस स्टेज ऑफ एच आई इन्फेक्शन में आपको एट पेशेंट में सिम्टम्स दिखने नजर आएंगे यस फाइव फोर थ्री टू वन टाइम अपर्स जब बहुत सारे टी इंफोसाइड्स

ड्यू टू डिक्रीज इन टील इंफोसाइड ओके क्लियर टू यू तो बहुत important, बहुत इम्पॉर्टेंट पूरा वो डायग्राम जो एच आई वी इन्फेक्शन के साइकिल you know, uh, से रिलेटेड है कि कैसे स्प्रेड करता है और ये सब इंफॉर्मेशन इसमें से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है क्लियर नेक्स्ट इन्फेक्शन ऑफ स्कैर यूजअली अकर्स बाय स्कारिस का इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड करता है 2013 में पूछा गया सवाल ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग ऑफ एस्कारिस ईटिंग इम्परफेक्टली कुक्ड पोक, सी सी फ्लाई मस्किटो बाइट इन चारों में से कौन सा ऐसा मीडियम है जिससे एस्कारिस यू नो यूजुअली हो जाता है हाउ डज इट स्प्रेड ओके व्हाट इज द ट्रांसमिशन मोड सो 15 सेकंड्स हरी आप

प्लांट्स में ऑल राइट right? और अगर ऐसे कंटामिनेटेड फूड को या वाटर को कंज्यूम करेगा कोई हेल्दी पर्सन तो उसमें भी इस कैरियस होने के चांसेस हैं ओके क्लियर नेक्स्ट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन साइड दी ह्यूमन बॉडी बहुत बारी बात की हमने सीएमआई के बारे में ग्राफ्ट रिजेक्शन से रिलेटेड इम्यूनिटी इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का नीट दो में पूछा गया क्वेश्चन ये कैसे कैरी होते हैं

थ्री टू एंड वन टाइम अप ऑफ कोर्स बच्चो इट इज बिकॉज ऑफ टी इम्फोसाइड्स आओ फिर में, फिर से बुक में देख लेते हैं फिर से बुक में देख लेते हैं इस पैराग्राफ को तो आप बहुत 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे स्टार्स लगा लो इसके ऊपर और राइट क्लियर सबको ओके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से क्वेश्चन uh, है बार बार पूछा गया टी इम्फोसाइड्स टी लिम्फोसाइट्स, ओके? ये ही वो सेल्स right? हैं पहले भी आपको कहा था दोबारा आएगा क्वेश्चन ए आई पी एम टी में भी दो बार पूछा गया क्वेश्चन है दो हजार बारह और दो हजार दस में वायरल टेस्ट किसके लिए कैरी आउट करते हैं मलेरिया को डिटेक्ट करने के लिए डायग्नोस करने के लिए डायबिटीज मिलाइटिस एच और एड्स टाइफॉइड फीवर वेरी सिंपल क्वेश्चन वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन पंद्रह सेकेंड जल्दी से बता दो राइट आंसर यस बच्चो सेवन, सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन टाइम अप। बच्चों, राइट आंसर इज टाइफ फीवर कर लिया था इसको मार्क वाइडल टेस्ट ओके तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द डिजीजे सिम्टम्स ऑफ द डिजीजे ट्रांसमिशन मोड एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट क्लियर सबको नेक्स्ट कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया कॉमन कोल्ड और निमोनिया दोनों ही रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स है लेकिन ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है ए आई पी एम टी में पूछा गया क्वेश्चन है बहुत ही you डेप्थ know, में पूछा गया क्वेश्चन है निमोनिया कॉम्युनिकेबल डिजीज है कॉमन कोल्ड न्यूट्रिशनल डेफिशंसी डिजीज है इज इट द रीजन निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइव एट्यूनड बैक्टीरियल वैक्सीन वेर ऑज कॉमन कोल्ड हैज नो इफेक्टिव वैक्सीन निमोनिया इज कॉज बाय वायरस व कॉमन कोल्ड इज कॉज बाय बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुजे निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट्स एल्विलाय वे कॉमन कोल्ड इफेक्ट्स नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स तो बताइए इनमें से क्या डिफरेंस है कॉमन कोल्ड में और निमोनिया में क्या कोई इनमें से कम्युनिकेबल है दूसरा न्यूट्रिशन डिफिशेंसी से रिलेटेड डिजीज है क्या ये वैक्सीन की वजह से ट्रीट होते हैं इफेक्टिव वैक्सीन देने की जरूरत है जल ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर डिफरेंट है या फिर बच्चों यहाँ पर उनका जो यू नो साइट ऑफ एक्शन है वो अलग है ओके आर यू रेडी आंसर ओके पंद्रह सेकेंड हरी आप जल्दी से अपना राइट आंसर लिख दो हां जी वेरी इजी एनसीआरटी बुक का ही डायरेक्ट क्वेश्चन है अब स्निप में बताती हूं आपको कहां से आया ये क्वेश्चन वन एंड टाइम अप स बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर कि जो निमोनिया का पैथोजन है वो एल्विलाई में इन्फेक्शन कॉमन कोल्ड की बात करें बच्चों ये आपके नोज को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है लंग्स को नहीं करता है दोनों रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं तो देखो क्लियरली मार्क कर लो अपनी एनसीआरटी बुक में क्या डिफरेंस होगा दोनों में क्या डिफरेंस है कॉमन कोल्ड इन्फेक्ट करेगा नोज को कॉमन कोल्ड की बात कर रहे हैं कॉमन कोल्ड इन्फेक्ट करेगा नोज को और रेस्पिरेटरी पैसेज को बट नॉट लंग्स ठीक है क्लियरली मेंशन है लंग्स को इन्फेक्शन नहीं होगा ओके okay? बहुत सारे सिम्टम्स हैं कंजेशन हो जाएगा डिस्चार्ज होएगा नोज से सोर throat हो जाएगा hoarseness होगी काफ हेड एक टायर्डनेस बहुत सारे सिम्टम्स हैं ओके लेकिन कोई इफेक्ट लंग को लंग्स को नहीं होगा निमोनिया की बात करें ये डायरेक्टली लंग्स को इफेक्ट करता है एल्विला जो हैं लंग्स के वो बहुत ज्यादा इंफेक्शन से यू नो म्यूकस अक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं डिस्चार्ज होने लग जाता है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इस रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर में तो इट स्टार्ट्स गेटिंग फिल्ड विद फ्लूड लीडिंग टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्लियर सबको नेक्स्ट एग्जाम्पल्स गिवन है कुछ और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी गिवन है ए आई पी एम टी दो हजार बारह का क्वेश्चन है इन विच ऑफ दिन विच ऑफ टू एग्जाम्पल्स आर करेक्टली मैच पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्युनिटी तो हमारे पास एग्जाम्पल्स है और टाइप ऑफ इम्यूनिटी है पॉलिम ऑर्फोन्यूक्लियो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स और मोनोसाइड सेलर बैरियर है एंटी टेटनस एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन एक्टिव इम्यूनिटी है उथ फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के क्या वो फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जाम्पल है तो आपको राइट मैच यहाँ पर चूज करना है विद द करेक्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल्स ओके हरिया बच्चो जल्दी से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंटली आस्ट कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंटली आज कॉन्सेप्ट है अलग अलग तरीके से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है आगे भी मैं आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन दिखाऊंगी ओके रेडी आंसर? तो बच्चों पंद्रह सेकेंड हरी आप जल्दी से जल्दी से राइट आंसर दीजिए सेवन सिक्स फाइव हरी आप चिल्ड्रन थ्री टू एंड वन बच्चों और हैं का. अगर आप देखो क्लियरली है एनसीईआरटी बुक में सेलुलर बैरियर्स की बात हो रही है तो ल्यूकोसाइट्स जो कि एक तरह के डब्ल्यू हैं, जैसे कि पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स पीएमएनएल जिनको न्यूट्रोफिल्स की कैटेगरी में पढ़ते हैं मोनोसाइट्स नेचुरल नेचुरल किलर्स ओके तो ये किसका एग्जाम्पल है सब सेलुलर बैरियर्स का सेल्स हैं हैं जो कि यू नो प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन के टाइम पे और राइट क्लियर नेक्स्ट विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स नॉट अ प्रॉपर्टी बतानी है ऐसी प्रॉपर्टी जो रेस्ट ऑफ दी सेल्स में नॉर्मल सेल्स में आपको मिलेगी बट कैंसरस सेल्स में ए आई पी एम टी थ्री थाउजेंड ट्वेल्व का क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड एनसीआर है

यस बच्चों फाइव फोर थ्री टू एंड वन टाइम अप ऑफ कोर्स बच्चों आप जानते हैं कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट इनिबिशन मतलब जब वो दूसरे सेल्स से कॉन्टैक्ट में आते हैं उनको पता है कि और स्पेस नहीं है तो वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं लेकिन अगर हम बात करें कैंसरस सेल्स की नॉर्मल सेल्स में तो ऐसा होता है बट जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं वो फिर भी अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होते रहते हैं तो आप देखो ध्यान से यहां पर एनसीआरटी बुक में क्लियरली मैं द कैंसरस सेल्स नॉर्मल सेल्स शो प्रॉपर्टी कॉल कॉन्टैक्ट इनिबिशन विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स इनिबिट्स देर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कैंसर सेल्स अपियर्स टू हैव लॉस दिस प्रॉपर्टी ऐसा लगता है कैंसर सेल्स में प्रॉपर्टी नहीं है तभी जब वो दूसरे सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं फिर भी वो यू you नो know, अपनी ग्रोथ को अपनी डिवीजन को नहीं रोकते ओके क्लियर सबको नेक्स्ट सर्टेन पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स से सफर कर रहा है एक पेशेंट व्हिच डायग्नोस्टिक टेक्निक विल यू रेकमेंड फॉर इट्स डिटेक्शन कौन सी बेस्ट टेक्निक है देखो ये सबसे इनिशियली हमने सेशन की स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी डिफरेंट तरीके से नीट में पूछा गया था अब ए आई पी एम टी दो हजार ग्यारह का सवाल है ये इज इट एम आर आई अल्ट्रासाउंड वाइडल टेस्ट इलाइजा पंद्रह सेकेंड जल्दी से बताओ एड्स जैसे डिजीज को डायग्नोस करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे हरिया क्विकली बच्चो सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन टाइम कोर्स बच्चों यहां पर बात हो रही है ELISA, immunosorbent, की. Right? ये हम पहले भी कर चुके डायग्नोस्टिक टेस्ट है एड्स की टेस्टिंग के लिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं जो कि बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरक्शन के ऊपर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरक्शन के ऊपर अगर बॉडी में कोई भी वायरस रिलेटेड सिम्टम्स होंगे तो उस तरह के एंटीजन माइक्रोब रिलेटेड एंटीजन और उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस हुए एंटीबॉडी आपको सैंपल ऑफ पेशेंट में नजर आएंगे क्लियर नेक्स्ट रिंगवॉर्म कैसे कॉज होते हैं ए आई टी का क्वेश्चन है बैक्टीरिया फंजर नेमा वायरसेस बहुत फ्रीक्वेंटली आज डिजीज रिलेटेड क्वेश्चन पंद्रह सेकेंड जल्दी से बताओ रिंग वॉम जो कि एक बहुत कॉमन डिजीज है आपने इसकी एडवर्टिजमेंट भी देखी होगी रिलेटेड टू टीवी के ऊपर सो वेरी कॉमन ओके अफकोर्स चिल्ड्रन इट इज अ फंगस रिलेटेड डिजीज जनरली कॉमन इन स्पोर्ट्स पर्सन दू यू नो एथलीट्स में बहुत ज्यादा होता है ये और इसके बहुत सारे जेनरिक फंजा के यहां पर नाम दिए हैं जीनस नेम्स दिए हैं फंजाई कॉज करता है वो माइक्रोस्पोरम भी हो सकता है ट्राइकोफाइटॉन भी हो सकता है एपिडर्मोफाइटॉन भी हो सकता है जो क्या कॉज करे रिंग वॉर्म डिजीज ओके बहुत इंफेक्शियस बहुत ही ज्यादा इरिटेबल स्किन डिजीज ऑल राइट क्लियर नेक्स्ट विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज आपको वायरल डिजीजेस का करेक्ट पेयर चूज करना है इज इट रिंग वॉम एंड एड्स कॉमन कोल्ड एंड एड्स मन कोल्ड टाइफॉइड एंड ट्यूबक लॉसेज इनमें से कौन से दो डिजीजेस है जो वायरस रिलेटेड है ए आई पी एम टी पंद्रह सेकेंड हरी अब बच्चो जल्दी से बताओ इज इट रिंग वॉम एंड एड्स कॉमन कोल्ड एंड एड्स डायसेंट्री एंड कॉमन कोल्ड टाइफॉइड एंड ट्यूबक लॉसेज फाइव फोर थ्री टू वन टाइम अपन से देखो रिंग वॉम की अभी हमने बात की थी रिंगवॉर्म एक फंगल डिजीज है all right? तो ये एलिमिनेट हो गया है डायसेंट्री की बात करें अमीबिक डायसेंट्री प्रोटोजोआ से भी हो सकती है बैक्टीरिया से भी हो सकती है तो ये भी एलिमिनेट हो गया है टाइफॉइड की बात करें बैक्टीरियल डिजीज है ऑल राइट सो ट्यूबोकलॉसिस की बात करें अगेन तो सबसे राइट right कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर बनता है दैट इज कॉमन कोल्ड एंड एड्स दे आर कॉज बाय रेट्रो क्लियर टू यू सबको क्लियर हुआ तो ये करेक्ट पेयर ऑफ वायरल डिजीजेस हैं अगेन एआई पीएमटी 2009 का क्वेश्चन पर्सन लाइकली टू डेवलप टेटनस इज इम्यूनाइज बाय एडमिनिस्ट्रिंग जिस पर्सन को टेटनस हो सकता है उसको आप क्या यू नो एडमिनिस्टर करोगे डेड जर्म्स प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और वीकन जर्म्स लेट मी नो पर्सन लाइकली टू डेवलप टेटनस इज बाय एडमिनिस्ट्रिंग वॉट डेड जर्म्स प्री फॉर्म एंटीबॉडीज वाइट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और वीकेंड जर्म्स बताओ जल्दी से पंद्रह सेकेंड हरिया क्विकली गिव आंसर येस बच्चो फाइव फोर थ्री टू

प्री फॉर्म एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन उसकी इम्युनाइजेशन उसकी वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी इवन इन स्नेकट्स एंटीबॉडीज तो ऑलरेडी प्रिपेर्ड एंटीबॉडीज दिए जाते हैं इन केस ऑफ यू नो असस्पेक्टेड डिजीज असस्पेक्टेड पॉइजन और यूनो स्नेक वेनम केस में भी स्नेक वेनम पॉइजन के केस में भी दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज यूज ओके इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्युनाइजेशन दिस इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन ओके क्लियर यूज ऑफ एंटीस्टम स्टेर गिव अंटीटमिन कौन से केस में यूज करेंगे आप एज ए रिलीफ एज ए मेडिसिन एलर्जी नोजिया कफ और हेड एक वेरी इजी वेरी सिंपल डायरेक्टली फ्रॉम एनसीआरटी बुक

फॉर्म ऑफ स्टेर steroidal एक्शन आप यहां पे इस चीज को अंडरलाइन कर अंडरलाइन कर स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एलर्जी तो जब भी आपको कोई एलर्जी होती है तो बच्चों इस तरह की मेडिकेशन इस तरह की केमिकल कंटेनिंग मेडिकेशन आपको दी जाती है All right? तो इस सिम्टम्स को लो डाउन कर सकता है बट मीन की ये

पेशेंट जिनकी सर्जरी हुई उनको आप कैनबिनोइड देते हैं रिलीफ पेन से पेन uh, से रिलीफ करने के लिए बेनाइन ट्यूमर्स प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटास्टासिस की हेरोइन एक्सिलेट्स बॉडी फंक्शन या मेलेगनेट ट्यूमर्स में एक्सिबिट मेटास्टास पंद्रह सेकेंड बच्चों जल्दी से करेक्ट स्टेटमेंट चूज कीजिए हरिअप यस एवरी वन राइट यू आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट प्रगेट you know, कर सकता है दो तरह के कैंसर हमने पढ़े हैं बच्चों वन इज बिनाइन ट्यूमर जो बॉडी में अदर पार्ट में नहीं स्प्रेड करते हैं बट देर आर मेलिंगनेंट ट्यूमर्स और राइट मेलिगनेंट ट्यूमर्स तो मेलिंगनेंट ट्यूमर्स की एक प्रॉपर्टी है कि यू नो इन तरह के जो कैंसरस सेल्स हैं जो कि स्लॉट डाउन किए गए हैं जो कि यू नो अटैक किए गए हैं और राइट right? ये से भी डिस्टेंट साइट्स पर भी पहुंच सकते हैं ब्लड के थ्रू वेयर दे गेट लॉज इन दी बॉडी और राइट वो वहीं पर एकट हो जाते हैं और वहां पर भी जुड़कर क्या बना देते हैं नया ट्यूमर बना देते हैं और इस प्रॉपर्टी को जिससे कैंसरस सेल्स स्प्रेड कर रहे हैं बॉडी में इसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस ओके okay? ये बहुत ही फियरफुल प्रॉपर्टी है इन पर्टिकुलर ट्यूमर्स की दैट्स वाई दे आर यू नो काइंड ऑफ नॉन क्यूरेबल नॉन क्यूरेबल टाइप ऑफ ट्यूमर्स हैं मेलेगनियन ट्यूमर्स क्लियर नेक्स्ट टू विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर इम्यून अंडर इनेट इम्यूनिटी डू द सलाइवा इन दी माउथ एंड टीयर फ्रॉम द आईज बिलोंग

जल्दी से बताओ राइट आंसर एट हरी आप बच्चों क्विकली बहुत इजी बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेम इन एट पार्ट में से बहुत बारी क्वेश्चन आ रहा है ओके okay, तो बच्चों ऑफ कोर्स मैंने राइट right आंसर आपको बता ही दिया था डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स फंक्शनल बैरियर्स हैं जो टीयर्स रिलीज हो रहे हैं सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है तो ये अलग अलग तरह के बैरियर्स हैं बच्चों इसमें से फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात करें तो जो एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक में सलाइवा प्रोड्यूस होता है माउथ में टीयर्स आते हैं आई से ये सब माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं और एक तरह का इननेट इम्यून सिस्टम क्रिएट करते हैं सेलुलर बैरियर्स की हमने बात की थी जैसे ल्यूकोसाइड प्रोडक्शन करना ओके न्यूट्रोफिल सिक्रीट करना फिजिकल बैरियर्स की बात कर लेते हैं सबसे बड़ा बैरियर है स्किन ओके okay? और इसके अलावा जितनी भी म्यूकस कोटिंग है जैसे हमने माल्ट की बात की थी टिश्यू जो कि लाइनिंग बना रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक में गैस्ट्रो इंटरसटाइनल ट्रैक्ट में यूरोजेनाइटल ट्रैक में ये सब बच्चों माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं और राइट क्लियर और लास्ट एक कैटेगरी बच गई है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बताती हूँ वो कौन सा बैरियर है ओके ओके सो क्वेश्चन इज है उसी से रिलेटेड बात कर रहे थे हम इंटरफेर सिंथोसाइज इन रिस्पॉन्स टू वॉट बॉडी में इंटरफेर कब बनते हैं माइकोप्लाज्मा जब इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन जब होता है वायरस इंफेक्शन जब होता है या फंजय इंफेक्शन जब होता है किस केस में बॉडी में इंटरफेरॉन्स बनते हैं yes. यस बच्चों ध्यान से सोचो थोड़ा टाइम दे रही हूं रिकॉल करो इंटरफे इंटरफेर की फॉर्मेशन की बात कब की जाती है माइक्रोप्लाज्मिक इन्फेक्शन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वायरल इन्फेक्शन में या फंजय इन्फेक्शन में पंद्रह सेकेंड हर बच्चों

लेकिन उस केस में बॉडी अपनी फोर्थ टाइप ऑफ इननेट सिस्टम को एक्टिवेट कर लेती है जिसको हम बोलते हैं बैरियर सेल्यर तो हमने ऑलरेडी पढ़ सिस्टम में और अब चौथा बैरियर हम पढ़ रहे हैं बच्चों साइटोकाइन बैरियर इसमें वायरस इंफेक्टेड सेल्स जो होते हैं वो स्पेशल तरह के प्रोटीन रिलीज करते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरफेरॉन्स

ओके okay, फिर से इंटरफेरॉन्स इम्यूनोग्लोबुल्स सबको याद हो गया होगा क्या आपको पंद्रह सेकंड का टाइमर चाहिए स्मॉल हैं 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 वर्टिब्रेट सेल्स प्रोड्यूस प्रोड्यूस कर कर रहे कर रहे नेचुरली सिस्टम के थ्रू और कब प्रोड्यूस कर रहे हैं वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या इनिबिट कर रहे हैं वायरसेस की ही मल्टीप्लीकेशन को तो पंद्रह सेकंड फिर भी दे देती हूँ बच्चों मुझे पता है आपको आता है आंसर जल्दी से लिख डालो कॉमेंट सेक्शन में आई नो इट्स वेरी इजी फॉर यू नाउ अभी अभी हमने रिलेटेड क्वेश्चन किया उसी क्वेश्चन का इस की स्टेटमेंट में भी given है कि अभी तो हमने बात किया पीछे फिर देख लो स्नेक फ्रॉम एनसीआर कौन सेल्स हैं वायरस इंफेक्टेड सेल्स ओके क्या प्रोड्यूस करेंगे इंटरफेर क्लियर नेक्स्ट एंटीबॉडीज आर एंटीबॉडीज बेसिकली क्या होते हैं जर्म्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट नेचर होती है प्रोटीन नेचर होती है लिपिड नेचर होती है दिस इज अ वेरी कॉमन वेरी जनरल क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है सबको आना चाहिए एलाइजा टेस्ट की हम बात करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन की बात करते हैं हमें पता होना चाहिए कि बॉडी में जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है वो किस नेचर में प्रोड्यूस होता है जर्म्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स लिपिड्स तो जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी भी नेचर सेम है जो उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी भी नेचर एग्जैक्टली सेम है लेट मी नो पंद्रह सेकेंड जल्दी से बता दो राइट आंसर यस बच्चो हरिया क्विकली वेरी इजी नेचर ऑफ एंटीबॉडी पूछी गई है एंटीजेंस की भी नेचर सेम है मोर और लाइक मोर और लेस ओके तो ऑफ ऑफकोर्स इट इज प्रोटीनस एंटीजन एंटीबॉडीज क्या है प्रोटीन्स हैं स्पेशल तरह के एंटीजन लाइक प्रोटीन्स है बॉडी के और एंटीबॉडीज फॉर के यू नो you know, के अगेंस्ट प्रोड्यूस हुए प्रोटीन्स हैं बट एक्चुअल नेचर इज प्रोटीनेशियस ओनली सो बच्चो दैट वॉज ऑल अबाउट पी वाई क्यूज फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आई होप आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाए अगर नहीं कर पाए तो लिखो कहाँ पर डाउट है या क्या मुश्किल आ रही है मैं आपसे मिलती हूँ एवरी ट्यूसडे टू फ्राइडे साढ़े पांच से सात हम यहाँ पर पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस करते हैं तो आज का चैप्टर सुपर डुपर क्लियर हो जाना चाहिए सबको right? मैं कल आपसे फिर मिलूंगी विद अ न्यू चैप्टर तब तक पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करने के लिए सेशन में आते रहो मैं हूं आपकी मास्टर टीचर करने का और अब हम मिलेंगे कल को तब तक आप लाइक करो इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करके रखो चैनल वेदांतु मेड इजी को ताकि आपको सबकी सब, सब अपडेट्स मिलती रहे सी यू देन टेक केयर बाय बाय